खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आष्टा, एमपी के सीएम शिवराज सिंह तो फिर कमलनाथ कौन। एक साल बीतने को नई सरकार बने, आष्टा की विपिन गैस एजेंसी को होश नहीं। जिले के संवेदनशील तेज तर्रार कलेक्टर बेखबर। एमपी अजब गजब है, बिल्कुल यह कई बार देखने को मिला है, इस बार भी गजब ही देखने को मिला। सीहोर जिले की आष्टा तहसील की विपिन गैस एजेंसी के बिल यही दिखा रहे हैं कि एमपी अजब गजब है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक साल बीतने को है। कांग्रेस के कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना एक साल पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन आष्टा की विपिन गैस एजेंसी को अभी तक यह होश नहीं आया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं कमलनाथ हैं। विपिन गैस एजेंसी के बिलों के अनुसार आज भी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर की विपिन गैस एजेंसी के बिलों पर आज भी मध्य प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार के सीएम शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रूप में नई सरकार का एक वर्ष पूरे होने को है, लेकिन इस बड़ी भूल पर अभी तक अधिकारियों की कोई नजर नहीं पहुंची है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता हरपाल ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी किया है। जिले के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। 4000 बिलों की हुई जब्ती, जनसंपर्क विभाग के लोगों का दुरुपयोग या अधिकारियों की लापरवाही। वहीं इस मामले में प्रशासन भी हरकत में आया और सोमवार की शाम को विपिन गैस एजेंसी पहुंचकर बड़ी मात्रा में 4000 बिलों की जब्ती की गई, जिसमें भाजपा के पूर्व सीएम शिवराज सिंह की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। वहीं 50 बिल ऐसे जब्त हुए जिनमें विपिन गैस एजेंसी भी लिखा हुआ प्राप्त हुआ। वहीं इसमें मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग भी सवालों के घेरे में खड़ा होता है। इन बिलों पर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का मौनो भी लगा हुआ है। अब यह जनसंपर्क विभाग की बड़ी लापरवाही है या जनसंपर्क विभाग का गैस एजेंसी दुरुपयोग कर रही थी। वहीं विगत दिनों जनपद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मध्याह्न भोजन के लिए इसी गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन प्रभारी मंत्री जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने वितरण हुए। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या तब भी इन बिलों का प्रयोग किया गया था। अभी आपने कल एक ट्वीट किया था जिसमें आष्टा की गैस एजेंसी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का योजना को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि एक साल हो चुका है लेकिन अभी भी उनके प्रचार उनका उपयोग किया जा रहा है। ये बात सही है कि उस गैस एजेंसी से लगातार शिवराज सिंह चौहान, और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के विज्ञापन के नाम पे फोटो लगा के जारी किया जा रहा, जो कि एक घोर प्रशासनिक लापरवाही है। और मैंने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद मैंने प्रभारी मंत्री कमिश्नर भोपाल से मेरी बात हुई। कमिश्नर भोपाल ने कलेक्टर को भी बताया, कलेक्टर से बात करने का प्रयास किया, कलेक्टर महोदय कहीं बिजी रहे होंगे, उनसे बात नहीं हो पाई। और निश्चित तौर से ये इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही है कि 10 महीने सरकार के बने हो गए और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्तमान मुख्यमंत्री बना करके कोई एजेंसी अगर ये कर रही है, और आप सोचिए कि उसी एजेंसी के द्वारा बीच में दो बार प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर और पूरे प्रशासनिक अमलों के सामने उज्ज्वला गैस एजेंसी का वितरण हुआ। अब हो सकता है वहाँ भी वही बिल लगाए गए हों। आप सोचिए, एक एजेंसी का साल में एक बार ऑडिट होता है मार्च के अंदर, तो निश्चित तौर से जब मार्च के अंदर ऑडिट होता तो उस समय भी बिलों को चेक किया जाना चाहिए था। और निश्चित तौर से क्या कर रहे हैं हमारे खाद्य अधिकारी कि जब वो मुख्यमंत्री का फोटो वाला बिल चेक कर रहे हैं तो कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति उपभोक्ताओं से ज़्यादा वसूली कर रहा होगा, ये तो उनको चेक करने का टाइम नहीं मिला होगा। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिखाते हुए फोटो वाला बिल चेक नहीं करा तो पूरी प्रशासनिक घोर लापरवाही है। और इसमें निश्चित तौर से मेरा तो निवेदन है कलेक्टर सीहोर से और मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से कि कमलनाथ जी जिस तरह के गंभीर व्यक्ति हैं, आपको उस तरह की गंभीर कार्रवाई करना चाहिए। और ये लापरवाही हुई है या जानबूझ के, मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से भाजपा का शासन था तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रशासनिक अधिकारियों का प्रेम झलकता रहा या एजेंसी संचालक का प्रेम झलकता रहा। आपके ट्वीट के बाद और अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया, उसके बाद प्रशासन हरकत भी आया और कल शाम को देर शाम को 4000 बिलों की जब्ती भी हुआ होंगी, जहाँ बड़ी बड़ी मात्रा में बिल जब्त हुए।
क्या लगता है कि बिल जब्त करने के बाद कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ कार्रवाई मुझे लगता है कार्रवाई होना चाहिए, पर यह बात सही है कि निश्चित तौर से प्रशासन सकते में आया, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला था तो इसमें अभी भी प्रशासन ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि इसमें सीधा सीधा जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन को FIR दर्ज कराना चाहिए कि हमारे नाम का आपने उपयोग किस तरह से किया। तो निश्चित तौर से इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई है, पर निश्चित तौर से हमने मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्री और आदरणीय सज्जन वर्मा जी को भी हमने इस बात के संज्ञान में लाया है, तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को भी ये बात बताइए, तो अब निश्चित तौर से इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? विनोद चौरसिया। कौन से गांव रहते हैं? मुगली। हम देख रहे हैं कि आपकी ये आपके नाम से इंडियन गैस एजेंसी का बिल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जी। वो क्या आपके नाम से? जी। उसे कब बुक किया था आपने? सर 4 दिन पहले बुक किया था। अच्छा, तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। जी। तो इस मामले को लेकर ये पर्ची वायरल हो रही है, और क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर कहना क्या, अब जो पर्ची आती है वो पर्ची ले हम जमा कर देते हैं, उससे अपना सिलेंडर उठा लेते हैं। अच्छा, तो अभी तक यही पर्ची आ रही है आपके पास? हाँ सर, ये पर्ची आ रही है, आचार संहिता में ये पर्ची नहीं आई थी, उस समय दूसरी पर्ची आई थी। हाँ। और अब वापस ये पर्ची आ रही है। जी, शिवराज सिंह चौहान जी का। जी। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।